हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर काफी समय के बाद मैं आ रहा हूं और आज की ये वीडियो एक खास फॉर्मूले को लेकर के है। जी हां दोस्तों, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको किसी खास प्रोडक्ट के क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ जाए। यानी कि जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे एलईडी मॉनिटर है सैमसंग का, एलजी का, माइक्रोमैक्स का, ठीक है, और ये चीजें आप सेल कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में, ठीक है। तो आपको अगर उनकी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाए कि हम चाहते हैं कि माइक्रोमैक्स की जो क्वांटिटी बिकी हुई है अब तक की, उसको हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। इज इक्वल टू प्रोडक्ट एक फॉर्मूला होता है जिसके बारे में मैं पहले भी सिखा चुका हूं। और जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए, मैं यहाँ पे मैनुअली नंबर टाइप कर देता हूँ, जैसे 4 है, 4 में मल्टीप्लाई किया 2 का तो 8 हो गया, 8 में मल्टीप्लाई किया 2 का तो यहाँ 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है। अब बात कर लेते हैं डी प्रोडक्ट की। जी हाँ दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है डी प्रोडक्ट का, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे इज इक्वल टू का निशान लगाया और यहाँ पे लिखता हूँ डी प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पे लिखा डी प्रोडक्ट, तो ये लगा लिया हमने। और अब यहाँ पे डेटाबेस की बात कर रहा है, कहां पर आपका डेटाबेस है, ये है हमारा पूरा का पूरा डेटाबेस, तो इसे हमने ले लिया सिलेक्शन में, कॉमा दिया। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं टोटल, ठीक है, टोटल को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं या प्राइस को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, आप देख लीजिए किसको आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो क्वांटिटी के हेडर पोर्शन को सेलेक्ट कर लिया, यानी क्वांटिटी वाला टाइटल सेलेक्ट कर लिया, सिर्फ आपको टाइटल ही सेलेक्ट करना है, कॉमा दिया। अब यहां पर कॉमा देने के बाद यहां पर हमने लिख रखा है प्रोडक्ट नेम, यही वो प्रोडक्ट नेम है जो यहां पे लिखा है हमने, ठीक है, इसी को कॉपी कर लिया। तो यहां पे इन दोनों को आपको सेलेक्ट कर लेना, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, इसे सेलेक्ट कर लिया। अब आपको करना है इस ब्रैकेट को क्लोज और प्रेस करना है एंटर। तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये इसका मल्टीप्लाई करके दे देगा, यानी कि एलईडी मॉनिटर कितने बिके हैं, ठीक है, कितना क्वांटिटी बिकी है, उस टोटल का मल्टीप्लाई इसने कर दिया है। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूं। इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर माइक्रोमैक्स की एलईडी मॉनिटर है तो इसको हमने ले लिया, ठीक है, और फिर इंटू लिया, फिर किसका है, यहां पे देख सकते हैं, यहां पे एलईडी मॉनिटर माइक्रोमैक्स, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर एट लास्ट देख सकते हैं यहां पर एक और है, ठीक है, और ये भी माइक्रोमैक्स का ही है। तो इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो सेम रिजल्ट आता है। इसके साथ ही प्रोडक्ट भी दिखाना चाहता हूं, तो यहां पे अगर प्रोडक्ट ले लेता हूं मैं, देख सकते हैं आप, तो यहां पे कंट्रोल बटन के साथ आपको प्रेस करना है, तो आप यहां पे क्लिक कीजिए और फिर कंट्रोल बटन प्रेस कर लीजिए। कंट्रोल बटन प्रेस करने के बाद हमें यहां चलना है, ठीक है, तो ये जो 15 है इसको सिलेक्शन में लेना है, तो कंट्रोल बटन आपको प्रेस किए रखना है, ये सिलेक्शन में आ गया, और फिर इसे भी ले लेना है, ठीक है, और एंटर प्रेस कर देना है। तो ये देख सकते हैं तीनों में सेम रिजल्ट आ रहा है, चाहे वो प्रोडक्ट यूज करें, चाहे वो मल्टीप्लाई से हम करके देखें, और चाहे ऐसे करके देखें। तो ये डी प्रोडक्ट फॉर्मूला आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और कहीं आपको ऐसी क्वेरी आती हो जिसमें आप इस तरह की चीजें चाहते हो तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।